नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पर्यावरण पहरी द्वारा किया गया पौधारोपण। आज दिनांक 24 जुलाई 2021 को गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में पर्यावरण पहरी टीम द्वारा 51 पौधे रोपित किए गए। ग्राम पंचायत सराय परसंडा व दियानत नगर में 20 पीपल व 20 बरगद सहित आम, आंवला व अमृत के पौधे रोपित किए गए। ग्राम सेठ मऊ में माता मंदिर पर पीपल, बरगद, पकरिया, नीम व कटहल के पौधे रोपित किए गए। उक्त अवसर पर पर्यावरण पहरी टीम के प्रमुख डीके शुक्ला ने बताया कि आदिकाल से गुरुकुल परंपरा में मनीषी गुरु पेड़ पौधे के नीचे ही शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे, जिसे विद्यार्थियों में बौद्धिक विकास के साथ पर्यावरण से जुड़ाव भी बना रहता था। पर्यावरण पर टीम के सदस्य सीताकांत स्वयंभू ने बताया कि पर्यावरण को संरक्षित रखने में पेड़ पौधों का अहम योगदान होता है। पेड़ पौधे जहां जीवन दायिनी ऑक्सीजन देते हैं, वहीं खाद, जल एवं आहार श्रृंखला को आगे बढ़ाने में भी बड़ा योगदान होता है। पर्यावरण प्रहरी टीम केवल पौधे लगा ही नहीं सही, बल्कि पौधों के संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक भी कर रही है। उक्त अवसर पर नरेंद्र वर्मा, प्रमोद सिंह, सचिन मिश्रा, शहाबुद्दीन, शिवा अवस्थी, अमित तिवारी, लियाकत अली आदि सदस्य उपस्थित थे। प्राइम न्यूज 24 से ब्यूरो के रविंद्र मिश्रा के साथ उत्तम मिश्रा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सीताकांत मिश्र, पर्यावरण पहरी टीम का सदस्य। साथियों, आज पर्यावरण पहरी टीम के द्वारा ग्राम सराय प्रसंडा दियानत नगर व सेठ मऊ में गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में 51 वृक्ष रोपित किए गए। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वृक्ष रोपित करने का आशय हम लोगों का ये था, क्योंकि आदिकाल से ये व्यवस्था चली आ रही है कि गुरुकुल में जो हमारे आचार्य रहते थे, मनीषी रहते थे, वो शिष्यों को पेड़ों की छाया के नीचे ही अध्ययन अध्यापन करवाते थे, जिससे उनका बौद्धिक विकास तो होता ही था, इसके साथ में उनका पर्यावरण से जुड़ाव भी बना रहता था। इसलिए आज हम सब गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 51 वृक्ष रोपित किए हुए हैं। इस अवसर पर हमारे साथ में हमारे आदरणीय, जिनके मार्गदर्शन में हम यह सब कुछ कार्य कर पा रहे हैं, ऐसे परम आदरणीय डीके शुक्ला गुरुजी, जिनका आशीर्वाद हमें सदैव मिला करता है। और इसके साथ ही हमारे तमाम साथी इस अवसर पर मौजूद रहे हैं, नरेंद्र वर्मा जी, सचिन मिश्रा जी, और इसके साथ में शिवा अवस्थी जी, अमित तिवारी जी, शहाबुद्दीन जी, सभी साथियों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।